नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हमने बनाई है कि किस एज में HF और जर्सी की बछड़ी को प्रेग्नेंट करना चाहिए या किस एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि हमारी HF या जर्सी की काव अगर हम खरीदेंगे और उसकी हिफस को या काफ को बड़ा करना है तो वो किस एज में हो जाती है। तो आज की ये वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहले तो ये याद रखें कि एज महत्व की नहीं है, वेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसका बॉडी वेट जो है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रेग्नेंट कब होगी। जैसे कि एक वयस्क HF गाय का वजन 450 किलो के आसपास होता है, ठीक है, ये वयस्क है, मैच्योर एज में स्टेज में ये बॉडी वेट गेन कर लेती है HF, और जर्सी का तकरीबन 350 किलो के आसपास तक जाता है। अब इसका दोस्तों एक थंब रूल है, क्या है कि जो वयस्क वेट होता है उसके 50% तक अगर वेट हो जाता है, कोई भी आप ब्रीड ले ले उसका 50% वेट हो जाता है तो आप उसको AI करवा सकते हैं या प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। यानी कि HF में तकरीबन 200 kg से ज़्यादा अगर हो और जर्सी में 150 kg से ज़्यादा हो तो आप उसको जो है वो अगर हीट में आती है तो आप तब उसका AI करवा दें। इससे नीचे अगर वजन है तो आपको थोड़ी देर तक रुकना है, क्योंकि उसका जो पूरा प्रॉपर जो गर्भाशय है वो डेवलप नहीं हुआ होता, सेक्सुअल पार्ट्स डेवलप नहीं हुए होते, इसीलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इतना वजन कम से कम होने दें। अब ये किस उम्र में हो जाता है, ये हमने ये तो बात कर ली कि इतना वज़न होता है, पर ये किस उम्र तक, कितने महीने की गाय या बछड़ी होगी तब उसका वज़न इतना हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, ये होल्स्टीन, आयरशायर और जर्सी तीनों ब्रीड्स का, ये HF का, होल्स्टीन सॉरी आयरशायर का और जर्सी का तीनों ब्रीड्स का ये यह है। यहाँ पर पाउंड में वेट लिखा है और मंथ एज जो है वो मंथ में लिखी हुई है। तो 1 kg यानी 2.25 pounds के आसपास जो है उसका वज़न होता है। हमने जैसे होल्स्टीन में HF में बात की थी कि 200 kg जो है वेट होना चाहिए, यानी कि तकरीबन अगर हम उसकी बात करें तो 450 pounds के आसपास उसका वज़न होना चाहिए, और जर्सी में 150 kg कहा था तो वो जो है वो तकरीबन जो है वो आप मान के चले कि 380 kg के आसपास, सॉरी 380 pounds के आसपास वज़न होगा। तो यहाँ पे आप चार्ट में अगर देखेंगे तो ये 7.5 महीने के आसपास जो है वो वेट जो है वो उतना हो जा रहा है। पर ये दोस्तों 100% प्योर ब्रीड का चार्ट है, हमारे पास तो यहाँ पे क्या होता है ना कि क्रॉस ब्रीड्स होती है, तो 7.5 महीने में उतनी जल्दी तो बछड़ी तैयार नहीं होगी। पर हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 1 साल में जो है वो बछड़ी को तैयार कर देना है, इतने बॉडी वेट पे आपको ले आना है। मतलब अगर HF की काफ है, क्रॉस में भी है, तो 1 साल में वो 200 kg, और जर्सी की क्रॉस है तो वो 150 kg 1 साल में उसका वज़न होना चाहिए, तभी आपका फार्म प्रॉफिट में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखें, और वज़न कितना था और कितना होना चाहिए, उसको किस तरीके से अगर हमें उतना वज़न लाना है तो क्या क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसके बारे में वीडियोस हमारी चैनल पे दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिलती रहे, क्योंकि हम साइंटिफिक नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कोई हमारे ऐसा नहीं बोल देते कि कोई लोग बोलते हैं कि 100 kg वज़न हो तो आप जाके प्रेग्नेंट करवा दो, 100 kg में प्रेग्नेंट नहीं करवाना चाहिए। जो मैंने बोला वो हर एक ब्रीड में लागू होता है, अगर गिर भी है तो भी उसका 50% बॉडी वेट अगर वो गेन कर लेती है तो आप AI करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, धन्यवाद।